अभी मैं सुबह की उठी गई हूँ। सबको मैं पहले गुड मॉर्निंग बोलना चाहती हूँ। अभी उठी हुई तो अब नहाऊंगी और पूरे घर की सफाई करने वाली हूँ। अभी मैं खोल रही हूँ दरवाज़ा, दरवाज़ा से पर्दा डालने वाली थी, ये डाल दिया पर्दा। पर्दा डालने के बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ। आप देख सकते हो मैं झाड़ू लगा रही हूँ घर पे। तो गाइस मिलते हैं चाय पीने के बाद। अब निकलने वाली हूँ थोड़े देर में, नहाऊंगी और आप देखना चाहोगे कि मैं कहाँ पे जाने वाली हूँ तो आ जाइए, दिखा दूंगी। तो फ्रेंड अभी आ चुकी हूँ मैं किचन में। अभी मैं खुद के लिए चाय बना रही हूँ। ये दूध रखा है गैस पे, अभी इसमें शक्कर डाल रही हूँ मैं अभी, और चाय पत्ती ली है। अभी थोड़ा चाय पत्ती डालूंगी अभी उसमें चाय में। ये लिए मैंने चाय पत्ती चम्मच में, अभी डाल रही हूँ दूध में। अभी ढक्कन लगा रही हूँ, अभी थोड़ी ही देर में निकलने वाली हूँ। आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, अभी मैं बाहर जाने वाली हूँ थोड़ी ही देर में। अभी मैं चाय होने के बाद में चाय बनाने डालूँगी। चलो बाय, अभी नहाने जा रही हूँ। अभी हो गया मेरा नहा के, अभी मैं चाय निकाल रही हूँ खुद के लिए पीने के लिए। ये निकाल लिया मैंने चाय, अभी जाऊँगी मैं पीने के लिए। तो दोस्तों बाय, अभी देखते हैं। चलो चलो, अभी मैं तैयार व्यार होके घर के बाहर निकल चुकी हूँ। अभी सीढ़ी के इधर हूँ मैं अभी। चलो दोस्तों, अभी मैं निकली हूँ कहाँ पे, गली के बाहर आई हूँ। अभी सीढ़ी के इधर से, घर के इधर से अभी निकल ही रही हूँ। तो अभी चल ही रही हूँ, अभी थोड़ी ही देर में मैं पहुंचने वाली हूँ बस स्टॉप पे, क्योंकि मैं बस स्टॉप से जा रही हूँ। आप तो बाद में देख ही पाओगे कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ, मैं सब आपको बता दूँगी। अभी तो मैं रास्ते में ही हूँ, घर के इधर ही हूँ गली में। अभी थोड़ी देर में फिर बस स्टॉप पे जाऊँगी। चलो फिर पहुँचने आ गए हैं हम बस स्टॉप के यहाँ तक। तो ये देखिए हमारे इधर का गुजराती लोग का भगवान का मंदिर है खोड़ियार माँ का बाजू में, तो उसके दर्शन भी ले लिए मैंने। और ये देखिए खोड़ियार मंदिर है गुजराती लोग का। तो अभी मैं पहुँच रही हूँ हमारे गणपति मंदिर के वहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे भी छोटा सिद्धि विनायक गणपति की मूर्ति है यहाँ पे, इसको सिद्धि विनायक कहा जाता है। यहाँ से फिर अभी रोड क्रॉस करके मैं अभी पहुँचने वाली हूँ बस स्टॉप पे थोड़ी देर में। चलो मिलते हैं। दोस्तों देखिए अभी मैं बस स्टॉप पे पहुँच गई हूँ, यहाँ पे बस का वेट कर रही हूँ। बस मिल गई तो बस में मैं बैठ चुकी हूँ। मैं अभी बस से नीचे उतरी हूँ, अभी रास्ते पे चल ही रही हूँ। थोड़ी ही देर में आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पे जाने वाली हूँ। तो दोस्तों यहाँ से बहुत मज़े ले लेकर चल रही हूँ मैं। बहुत लंबा है जो आप देखने वाले हो वहाँ पे, ये आप देख रहे हो यहाँ पे भगवती हॉस्पिटल है, वहीं से मैं इतना लंबा जाने वाली हूँ चल के। तब आप जाके देखोगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अभी तो बहुत लंबा रास्ता है, इसीलिए अब मैं पहुँचने आ गई हूँ करुणा हॉस्पिटल तक। पहुँच गई हूँ करुणा हॉस्पिटल तक पहुंच गई हूँ। अभी बहुत लंबा रास्ता है, इसके लिए चल के जा रही हूँ। टाइम तो बहुत लगेगा ये दोस्तों, जाना तो पड़ता ही है ना।
क्योंकि दो बच्चियों की जिम्मेदारी है। अब मैंने यहाँ पे रिक्शा पकड़ ली है क्योंकि आधे रास्ते बहुत रास्ता लंबा है, इसलिए आधे रास्ते से मैंने रिक्शा पकड़ ली क्योंकि ज़्यादा नहीं चल पा रही थी, इसलिए मैं रिक्शा पकड़ के उसमें बैठ के चली गई। बहुत इंजॉय किया मैंने, भले अकेली थी पर बहुत इंजॉय करते करते चली गई। ये अभी मैं रिक्शा में से उतर गई हूँ, वहाँ से भी चल के जा रही हूँ। कहाँ पे जा रही हूँ आपको थोड़ी ही देर में पता चलिए चलेगा, आप देखते रहिए आपको पता चलेगा कि कहाँ पे मैं जा रही हूँ। थोड़ा नई हूँ ना वीडियो व्लॉग बनाने में, इसके लिए ये देखिए, ये मैं पहुँच गई हूँ बिल्डिंग के अंदर, गेट से अभी अंदर जा ही रही हूँ बिल्डिंग के अंदर। थोड़ी ही देर में लिफ्ट के यहाँ पे पहुँच जाऊँगी मैं। तो यहाँ से मैं चल ही रही हूँ अभी, सॉरी दोस्तों, अभी थोड़ी ही देर में मैं लिफ्ट के यहाँ पहुँचने वाली हूँ। पहले बता दिया लिफ्ट के यहाँ पे पहुँच गई, सॉरी गलती से बोल दिया इसे मैंने, अभी थोड़ी देर में पहुँच ही रही हूँ, चल रही हूँ। बहुत अंदर है बिल्डिंग, फ्लैट नो फ्लैट, इसीलिए बहुत चल रही हूँ, अंदर भी बहुत चलना पड़ रहा है, क्या करे। तो दोस्तों फाइनली मैं लिफ्ट के यहाँ पे आ चुकी हूँ, अभी मैं लिफ्ट बुला रही हूँ, बुलाने की ज़रूरत नहीं, सॉरी दोस्तों, लिफ्ट तो पहले ही आ चुकी थी। ये कैसा मजाक हो गया है भाई मेरे साथ, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने बिना देखे बोला लिफ्ट का वेट कर रही हूँ, सॉरी दोस्तों। तो अभी मैं लिफ्ट में पहुँच गई हूँ, अभी जा रही हूँ ऊपर, अभी थोड़े ही देर में आपको सब पता चलेगा कहाँ पे जा रही हूँ मैं। तो दोस्तों जहाँ पे जाने का मेरे को इंतज़ार था वहाँ पे तो मैं पहुँच चुकी हूँ, वो सामने फ्लैट दिख रहा है वहाँ पे मैं अभी जा रही हूँ। टिंग टिंग, अभी दरवाज़ा का बेल बजाऊंगी, दरवाजे का बेल बजा रही हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये मम्मी जी है, आंटी जी, इनको संभालने का काम करती हूँ मैं, इनको देखती हूँ, इनकी केयर करती हूँ, ये भी मेरे ऊपर बहुत जान छिड़कते हैं। इनके यहाँ मैं जॉब करती हूँ, क्या करे दोस्तों, मेरे ऊपर, सर के ऊपर मेरी दो बच्चों की जिम्मेदारी है, इसलिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अभी काम पे से छूटी हूँ मैं, अभी सीढ़ी से चल के जा रही हूँ, लिफ्ट से नहीं जा रही हूँ, चलते 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 जा रही हूँ, क्योंकि चलना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसीलिए मैं लिफ्ट से नहीं चल पा रही हूँ। खाली जाते वक्त लिफ्ट से क्यों जाती हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी पहुँचना होता है, लंबा है ना, इसीलिए हंसते 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 सीढ़ियाँ उतार रही हूँ, आप देख सकते हो, धीरे 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 धीरे। तो दोस्तों सीढ़ी सीढ़िया का सफर खत्म हो गया है, अब मैं बिल्डिंग के नीचे आ चुकी हूँ, अब बाहर निकलने वाली हूँ थोड़ी ही देर में, बिल्डिंग के अंदर ही हूँ, चल रही हूँ हंसते हंसते, क्या करे, अब हंसना ही तो जिंदगी है हमारी, हंसते हंसते चलो। टिंग डिंग, उड़ो उड़ो, अब मैं जा ही रही हूँ हंसते हंसते, चलो बिल्डिंग के बाहर अब निकल चुकी हूँ मैं, हंसते हंसते जा ही रही हूँ। अब थोड़ी ही देर में चल, चलो 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 चलो, चलते चलते चलो घर, चलो हंसते हंसते चलो। बहुत लंबा रास्ता है दोस्तों, क्या करे, अब चलना ही पड़ता है, इसीलिए चल ही रही हूँ। अब ये पहुँच गई हूँ मैं भगवती हॉस्पिटल के वहाँ पे, वहाँ से अब बस पकड़ूंगी, लो भाई बस स्टॉप पे भी पहुँच गई, देखिए आप, बहुत बड़ा रास्ता है, पन शॉर्टकट वीडियो बना दी, बस भी आ गई, बस का वेट करते करते आखिर में मैं बस में बैठ ही गई हूँ, भी थोड़े ही देर में घर पे पहुँचूंगी। लो अब मैं बस से उतरी हूँ, अब घर के वहाँ आ चुकी हूँ मैं, मतलब घर के इधर आ चुकी हूँ, अभी थोड़ी ही देर में घर घर में एंट्री करूँगी। तो दोस्तों घर के वहाँ पे अंदर चल चल रही हूँ, बहुत चल चल के थक गई हूँ। लो दोस्तों अब घर पे पहुँच गई, तो मैंने ले लिया था नाश्ता काम पे से आते आते, तो छोटी बच्ची और मैं नाश्ता कर रहे थे, साथ में लिया था मैंने दाल वड़ा और मेंदू वड़ा ले लिया था, क्योंकि मेरी बच्ची को बहुत पसंद है ना, इसीलिए। वैसे ही हम लोग
खा पी के बाहर निकल गए क्योंकि लड़की की स्कूल में मीटिंग था। वो खाया और वैसे ही काम पे से आके वैसे ही निकल गई मीटिंग के लिए। लो सीढ़ी पे से चढ़ निकल ही रही हूँ मीटिंग के लिए। अब मैं स्कूल पहुंच गई हूँ लड़की के स्कूल में मीटिंग में, तो अभी मैंने लिफ्ट बुलवाई है स्कूल के इधर, तो अभी लिफ्ट में चली जाऊंगी। लो मैं लिफ्ट के अंदर भी चली गई, पांचवा माला चली दे। आप तो देख ही सकते हो कि पेरेंट्स मीटिंग में मैं पहुंच गई हूँ टाइम पे। तो अब थोड़ी देर में पेरेंट्स मीटिंग चालू होने वाली है क्योंकि आज मेरी लड़की का रिजल्ट मिलने वाला है, इसीलिए पेरेंट्स मीटिंग थी। पेरेंट्स मीटिंग ख़त्म हो गई तो हम वहाँ से निकल गए अब घर की ओर। चलो धीरे 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 चल ही रहे हम लोग। लो अभी स्कूल के गेट के बाहर निकल गए। हे गाइस, ही रहे हैं हम तो अभी हंसते ना व्लॉग्स हंसते मेरे मम्मी के चल ही ही आए थे रहे हैं। आप क्योंकि देख मैं सकते तो अभी हो मेरा स्कूल फेस जाती हूँ, कितना मेरे को थका टाइम नहीं हुआ लग मिलता रहा है, इसलिए क्योंकि मेरी इतना लंबा मम्मी से डाली व्लॉग कि चाहिए। आपके लिए वैसे व्लॉग, पेरेंट्स मीटिंग तो अटेंड प्लीज किया, अब घर देखते जाके जाना। बहुत थैंक सारा यू। काम है। ये मेरी लड़की हाई कर रही है, श्रेया यूनिक व्लॉग वाली हाई कर रही है मेरी बेटी। हाँ तो अब हम पहुंच गए हैं आधे रास्ते में, ये है आधा रास्ता। अभी हम चलते चलते स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पहुंचने के बाद में फिर मम्मी के इधर चले गए, फिर मम्मी के यहाँ से फिर हम लोग पहुंच गए गार्डन। गार्डन के यहाँ पहुंच गए, फिर गार्डन के बाद घर आए तो मेरी बड़ी लड़की ने चाइनीज लाया था वो खाने।